तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दृश्य बनाने स्टोर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक ठाक से होंगे। फिलहाल आज का जो वीडियो हमारा है इस पर्पज से है कि आज आदित्य भाई को भी आप देख रहे हैं हमारे साथ। तो आज हम आदित्य भाई के घर नहीं आए हैं, घर ना आकर के आज आदित्य भाई कहाँ आए हैं हम? आज हम लोग बरेली के क्लासिक कॉलेज ऑफ लॉ में आए हुए हैं। जो है प्लांट एग्जीबिशन जो है लगी हुई है अपनी, लगी हुई है यहाँ पर। तो आदित्य भाई, यहाँ ला करके आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, व्यू कराऊंगा, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। फिलहाल हम आदित्य भाई से जानेंगे कि आदित्य भाई ने देखे ट्रॉफी ले रखी है, जीत रखी है, दिखाएं आदित्य भाई ये देखें। और ये भी अपने रोज लवर के लिए, ये रोज पे मिली है हमें जो है। ये जो है रोज लवर है हमारे आदित्य भाई, जैसा कि इनका वीडियो हमने शूट किया था इनके घर पर ही, और इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल आज हम घूमेंगे यहाँ पर, और आप भी घूमिएगा, मज़ा लीजिएगा, और बीच कुछ बातें भी करते रहेंगे इसकी। बरेली के अंदर जो है एग्जीबिशन हो रहा है, ये मेरे ख्याल से 3 साल से शुरू हुआ है जी, इस बार तीसरा है, ये तीसरा साल हो चुका है यहाँ पर। बहरहाल अभी हम चलते हैं और आदित्य भाई का भी प्लांट देखेंगे जो गुलाब लेकर के आए थे यहाँ पर, और उस पर इन्होंने जीता है फर्स्ट प्राइज। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आपको फिर एक बार, नेक्स्ट अगेन। चलिए ठीक है, मैं लेकर के चल। आदित्य भाई ये देखिएगा, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे हमारे और भी जो भाई बंद हैं, अगर वो यहाँ आना चाहते हैं जी, तो क्या वो उसके लिए क्या एंट्री कराना पड़ती है क्या, मतलब उसके लिए क्या सीन रहता है? सर देखिए, जो एग्जीबिशन का 2 दिन रहता है इनका एग्जीबिशन जो भी है, हाँ हाँ, 2 दिन का जो एग्जीबिशन रहता है, हाँ, तो उसमें जो है आपको 1 दिन पहले प्लांट लाना होता अपना जो है। अच्छा, हाँ। और ये देखिए सारे प्लांट ही नर्सरी वाले भी ला सकते हैं यहाँ पे कोई रोकटोक नहीं है, कोई भी बंदा ला सकता है। मतलब इससे जो अपना एक वो बनता है एक, हाँ, एक्सपीरियंस। और जो है जो आपको मैं एक कैक्टस दिखाऊंगा, एक बड़ा अच्छा कैक्टस है जो। अच्छा है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से, आप देख पा रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो इस एंट्री के बारे में आप बताएं, जहाँ से आप बता रहे थे, तो एंट्री के बारे में आप कैसे करके कराना होती है? जैसे कि अगर मान लीजिए 2 दिन की एग्जीबिशन है, तो आप 1 दिन पहले अपने प्लांट ले आएं, ये लोग जो है नोट कर लेते हैं कि आप कौन कौन से पौधे लाएं, वही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, और कुछ नहीं आपको करना। अच्छा, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें कोई मतलब जो है एक्स्ट्रा से कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, ना कोई फीस देनी है। और ये देखिएगा पुदीना, पुदीने पे मिला है, फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है। और फर्स्ट प्राइज में ये है, देखिए ट्रॉफी मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे जो है स्टैम्प जो है ली है इन्होंने, और बाकायदा ये एक अच्छा फील होता है, इससे जो है हमारा मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। जो भी हमारे प्लांट्स लवर है, रोज लवर है, ज़रूरी नहीं है कि रोज लवर ही है, सीजनल वाले भी भर भर के हैं, कैक्टस भी, सैक्युलेंट्स भी है काफी। ये देखिए दिखाई, मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आया ये पौधा यार, बाकी और मैंने ये वैरायटी भी कहीं नहीं देखी ये यार, बाकी बहुत अच्छी चीज़ है। ये सेकंड प्राइज आया पर इस पर ऐसा क्यों कह नहीं सकते, फर्स्ट प्राइज उसको मिला है। अच्छा, इस वाले को दिया, इस वाले कैक्टस को। तो अच्छा एक चीज और बताएं मुझे, ये वाला फर्स्ट प्राइज है, मैं आपको दिखा दूँ ये वाला, ये देखिए कितना सुंदर है, काफी पुराना पौधा है, ये पुराना हो गया माशाल्लाह। और देखिए जिन्होंने भी ये लगाया है ना, ये नॉर्मल मिट्टी में से, लोग कहते हैं ना कि इधर ऐसी वैसी खादों में, ये मिट्टी में है, मिट्टी में थोड़ा रेत ज्यादा मिला हुआ है इसमें बस, और आपका थोड़ा कोकोपीट वो भी जो है आपका बोन मिल वगैरह भी। बहरहाल हम आए हुए हैं आज इसी वजह से आए हैं, हमारे आदित्य भाई ने हमें इन्फॉर्म किया, तो हम हालांकि लेट हो गए और आ नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास कुछ और भी काम थे, उलझनों में उलझे हुए थे, जिस वजह से हम जो है यहाँ नहीं पहुँच पाए समय से। और आज मेरे ख्याल से लास्ट दिन है, क्यों जी जी जी, कल जो ओनर्स हैं वो अपने प्लांट ले जा सकते हैं। अच्छा, सारे जो है ओनर जो भी हैं अपने प्लांट्स ले जा सकते हैं, मगर एक चीज़ है, यहाँ आकर के आपको अच्छा फील होगा, और एक से एक अच्छा प्लांट और बढ़िया जो हेल्दी मेच्योर प्लांट होते हैं, जो जिनके पास भी होते हैं, ये वही लोग लेकर के आते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा और आपके अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, और कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने का मकसद होना भी ये चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक हमें अच्छा लगता है कि हम भी नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ अच्छा करें। बिल्कुल, तो ऐसा इसकी डेट क्या रहती है आदित्य भाई, आपको तो नॉलेज है, भाई जो है इसकी मार्च में ही रहती है, कंफर्म नहीं रहती कि किस में रहेगा। अच्छा, लेकिन हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे आपकी बार जो है। अच्छा अच्छा, तो ये मार्च में ही रहती है, मार्च में ही रहती है जी, ये अभी मेरे ख्याल से पहली मार्च से शुरू होता जी, ऐसा होता होगा, ये अभी 4 और 5 जैसे आज 5 में था। ये क्या ड्रैगन फ्रूट है? ड्रैगन फ्रूट नहीं, कैक्टस ही है आपका, लेकिन इसमें जो है फ्लावर आता है काफी बड़े साइज का, देखिए ये बर्ड है, ये बर्ड बन चुकी है, कितने यूनिक तरीके के देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है। ये देखें ये कैक्टस कितना प्यारा, ये ग्राफ्ट है आपका जो, और देखिए ये दिखाइए राशिद भाई, ये नॉर्मल सॉइल में ही है, जो लोग ये सोचते हैं कि ऐसी और वैसी मिट्टी में लगा, और काफी ओल्ड प्लांट है। और एक चीज और,
जो लोग जो है एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो भी नहीं है इसमें, गोबर की नेचुरल गोबर ही खाद है। देखिए गोबर की खाद है, ये देख सकते हैं आप। बस क्या है ये, मैं जो आपको बताता हूँ, ये वाटर का मैनेजमेंट इन्होंने अच्छा रखा हुआ है। बस बस, ये भी कैक्टस है, ये कैक्टस देखें कितना अच्छा कैक्टस है। और बाकी ये सारी कैक्टस की ही वैरायटी है, कुछ यहाँ पर जो है ये देखिए एक ऑल टाइम मैंगो भी कोई लाए भैया, ये एक आम भी है इस पे, एक गिर गया हुआ है। मगर यार ये चीज देखो, इसे कोई प्राइस नहीं मिला मुझे लगता है। जी ये फ्रूटिंग प्लांट है और ऑल टाइम है, ये देखें बांध करके लेके आई, हालांकि बॉन्साई बनाने की तैयारी में है ये है। और ये देखें इस तरीके से कितना अच्छा बरगद मेंटेन किया हुआ है, आप देखें यहाँ पे बड़े भी बिठाल रखी, क्यों भाई इन्होंने आदित्य भाई। जी जी ये 27 साल पुराना इन्होंने टैग लगा रखा है, 27 साल का है, मगर ये होगा क्या 27 साल का, ये मुझे कन्फर्म तो नहीं है जो है, क्योंकि आपको पता मेरे पास एक भी बॉन्साई नहीं है तो कोई ज्यादा नहीं है। मगर यार ये क्योंकि इतना 27 साल तो बहुत हो गया, मगर हो भी सकता है, मगर कह नहीं सकते हो कि प्लांट की एज के ऊपर। मगर ये मेरे मुझे लगता है ये सारे के सारे एक ही बंदे के हैं। ये थर्ड प्राइज लेकर के आप जी बताइएगा, इतना शानदार प्लांट है और थर्ड प्राइज इसको मिला है। मगर ऐसा नहीं है कि ये पाखड़ की देखें बॉन्साई कितनी शानदार बनी हुई है, इस पर भी देखिए बीसी ईयर ओल्ड लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये तो बनाने वाले के ऊपर ही डिपेंड है। 20 ईयर्स भाई साहब, देखिएगा आप इस तरीके से देखें, आप इस पाखड़ को देखें, इन्होंने यहाँ पर राउंड ले रखा है। जी जी जी, ये एक आइडिया मिल जाता है हमें एक घूमने पे, क्योंकि अगर एग्जीबिशन में आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छी जो है एक आइडियाज मिलते हैं, बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलती है, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस ना काफी। ये तो मान सकता हूँ बड़ा, मगर ये ऐसा होगा कि कटिंग इसकी मोटी स्टेम कटिंग की गई, ये बॉन्साई ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल नहीं कह सकते। हाँ ये जो जो अपने ओरिजिनल रूट पे जो होती है वो होती है, मगर उसका पहचान जाओगे दूर से, आप वो दूर से ही पहचान जाएंगे। जैसे ये देखें ये कितनी अच्छे से उन्होंने आए, जिसका भी है पीपल का पेड़ है, ये देखिए पुराना है, ये पुराना है, ये पुराना है, तो आपको लग रहा होगा एक फील आ रहा होगा ये पुराना, ये बाकी पुराना है, ओल्ड है। इसकी भी देखें आप, इसकी भी बरगद है ये, और इन्होंने अभी पानी नहीं लग पाया जिस वजह से इनकी पत्तियां जो है झूल रही हैं। आप इसको इग्नोर करिएगा। बाकी कैक्टस ये वाला भी बड़ा प्यारा है काफी, और ये बोगनविलिया भी पुरानी है। जी जी जी, ये भी देखिए ये काफी पुरानी भैया बता रहे थे, ये देखिए बिल्कुल गल हो गई है, गल चुकी है, इतनी ये गल रही है, मगर ये थोड़ी बहुत ही बाकी बची है, कुछ ही रूटों पे चल रही है ये, और बाकी हम आप और देखेंगे। और अभी आदित्य भाई का भी आपको रोज दिखाएंगे, जिस वजह से इनको जो है फर्स्ट प्राइज मिल गया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने हमारे दर्शकों के लिए, और अपने जो सब अपने देखिए जितने भी हैं अपने इदरीसी वर्डन स्टोर चैनल पे जो भी हैं वो सारा एक फैमिली की ही तरह हैं, तो आप अपनी फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे यहाँ एग्जीबिशन में आने के लिए और यहाँ पर घूमने के लिए? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके लोकल में कहीं भी एग्जीबिशन होता है या बाहर होता है, जहाँ पर भी आप जा सकते हो तो ज़रूर से जाने की कोशिश किया करें, क्योंकि क्या है बहुत एक्सपीरियंस जो है हमें मिलता है, मिलता बात ये इतने इतने पुराने लोगों ने इतना उन्होंने एक्सपीरियंस है, बहुत जो बात हकीकत है ये जिन्होंने लगाए हुए हैं। ये एक चीज़ और देखें, ये आड़ू का पेड़ जो होता है देखें, जी देखिए इसकी बॉन्साई, इन्होंने देखो बॉन्साई बना रखा है, और इस पे फल भी देखिए आ रहे हैं, फ्रूट भी लगे हुए हैं, कितना छोटा सा है, ये देखें फ्रूट भी माशाल्लाह देखें कितने लगे हुए हैं, ये देखिएगा खूब अच्छे से फ्रूट भी लगे हुए हैं। ये एक आइडियल हो जाता है, एक आइडियल चीज़ हो जाती है, जो कि हम और आपको आइडिया मिल जाता है, जिस वजह से कि आप इस तरीके से भी ग्रो कर सकते हो। कितना बड़ा साइज होगा इस पॉट का देखें, क्ले पॉट में है ये, और इतनी छोटी देखें, ये मुश्किल से 2.5 या 3 इंच भी नहीं होगी इसकी, जी 2.5-3 इंच होगा, और ये मुश्किल से 12 इंच ऐसे में होगा, इतनी बड़ी इसमें इन्होंने जो है उगा रखा है। बोगनविलिया भी देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी आई हुई है, और इन्हें प्राइस तो मेरे ख्याल से नहीं मिला है, वो और उस पे था फर्स्ट का टैग। अच्छा उससे फर्स्ट, ये देखें ये पाखड़ की बॉन्साई है, मेरे ख्याल से इस पर कुछ है, इस पर भी कोई वो नहीं है, और अभी धूप है काफ़ी जो है। हाँ कौशल भैया खैरियत है, ये हमारे कौशल भाई प्रताप नर्सरी वाले आ चुके हैं, और भैया खैरियत खैरियत है। तो कौशल भाई आप यहाँ बताएं मुझे, आपको एग्जीबिशन में यहाँ आकर के कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, पेड़ों के प्रति उत्साह भी है मेरे साथ, शौकीन भी है पेड़ों का, और मेरा कहना है लोगों से कुछ वक्त पेड़ पौधों का भी निकालना चाहिए, जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं, और जीवन में इनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है, समझ प्रेरणा मिलती है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरी के बॉन्साई, फॉलिएज प्लांट, डेकोरेटिव इंडोर आउटडोर, बल्बस प्लांट, ऑर्नामेंटल, सीजनल, डिफरेंट तरह के इंडोर आउटडोर और विदेशों तक के प्लांट यहाँ पर हैं। लिलियम है, लिलियम और क्रोकस है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, केसर है, और आपको ऐसी ऐसी बॉन्साई मिल जाएंगी, रॉक स्टोन बॉन्साई जो कम से कम 30-30 साल पुरानी बॉन्साई यहाँ रखी हुई है, ये आपको देखने को मिल सकती है। फाइकस की एक वैरायटी, ये फाइकस की कम से कम इसकी उम्र 30 साल मानी जा रही है, 30 साल की होगी ये, तो ये कार्डेनियम है रोजी, ये तो अपने पास का ये यहाँ कार्डेनियम रोजी है, बहुत बढ़िया प्लांट है, और ये बहुत स्टार्टिंग से फ्लावरिंग करने लगता है, बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। इसके साथ ही ये एक जेड प्लांट है कौशल भाई ने, कम से कम इसकी एज 20 से 22 साल मानी जा सकती है, ये काफी पुराना जेड प्लांट है,
लोग हैं जो अपनी मेहनत के साथ। अच्छा ये क्या किया है इन्होंने कौशल भाई, ये डबल करा क्या? ये देखिए एक इन्होंने पाकड़ को उगाया इसके ऊपर। हाँ अच्छा पाकड़, हाँ इसकी रूट्स को स्टेम में जर्मिनेट करके। अच्छा ये उगाया सकता है, बोनसाई बॉन्साई बन जाएगी। ये प्लांट पे दो कर दिए। हाँ ऐसा होता है, कुछ प्लांट्स की बार्क को छील कर दूसरे प्लांट की जड़ों को उसके साथ मॉइस्चराइज करा के जोड़ के ये चलाया जा सकता है। चलाया जा सकता है हाँ, जैसे जिनसेंग प्लांट तैयार की जाती है। जंगल में ऑर्किड उगते हैं, ऑर्किड उगती है पैरासिटिक प्लांट पे, प्लांट्स होते हैं वो सारे प्लांट्स। ये जिनसेंग होते हैं, जिनसेंग प्लांट चाइना में बनता है। जिनसेंग प्लांट का वेस्ट कुछ और होता है, ऊपर का प्लांट कुछ और होता है। ये आसानी से उगाया जा सकता है अगर कोशिश की जाए, इतना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन फिर भी बनाने में टाइम लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया जानकारी दी हमारे कौशल भाई ने। तो कौशल भाई की जो नर्सरी है क्या अपनी? जी मेरी प्रताप नर्सरी है, कर्मचारी नगर रोड पे, और उसका ऑनर मैं ही हूँ। मुझे पेड़ पौधों के शौक भी है और इसके साथ में लोगों को जागरूक भी करता हूं। जागरूक भी करते हैं, बहुत अच्छी और बहुत अच्छे मुझे व्यक्ति लगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जीबिशन में वैसे और नर्सरी वाले आपको नहीं मिलेंगे, मगर हमारे कौशल भाई आए हुए हैं। अपना मोबाइल नंबर बता दीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर पास आना चाहे 9756371737, और मेरा एड्रेस है प्रताप नर्सरी, सैदपुर हाकनास, कर्मचारी नगर रोड, कर्मचारी इज्जत नगर। बहुत बढ़िया बात, चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका कौशल भाई। जो है इसका फ्लावर जो है, हाँ इसका साइज बहुत बड़ा है। और एक चीज़ आप ये भी देखिए, ये हवा बहुत तेजी चल रही थी फिर भी ये इसका 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 साइज देखें, इसका इस वाले का इसका साइज देखें, और इस वाले का भी। इसी ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा कलर सच में, ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगा डहलिया में। और बाकी देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का प्लांट ले सकते हैं, लाइव प्लांट फ्रूट प्लांट भी ला सकते हैं। ये देखें स्ट्रॉबेरी भी देखें यहाँ पर मेंटेन की हुई है, काफ़ी जगह पर मर जाती है स्ट्रॉबेरी, मगर यहाँ पर देखें। एक आइडिया ये भी है कि स्ट्रॉबेरी आप लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से, लेकिन देखिए उन्होंने पॉलिथीन लगाई और उस पर पानी भर गया। हाँ वो खराब हो गया। ये तीन दिन से रखी हुई होगी जब से ये एग्जीबिशन शुरू हुआ है मेरे ख्याल से, तभी से रखी हुई है। और ये देखें स्ट्रॉबेरी काफ़ी अच्छी और हेल्दी है, ये देखें, और ये भी देखें इस पर भी, ये मेरे ख्याल से इस पर अभी कोई भी प्राइस नहीं जी है। जी तो बाकी उसी पर था। अच्छा बहुत अच्छा, ये देखें इन्होंने इस तरीके से जो है घास भी लगा रखी है, अगर आप चाहें पन्नी नहीं लगाना चाहते हैं कागज नहीं, तो इस तरीके की घास भी लगा सकते हैं ताकि स्ट्रॉबेरी टच ना, ताकि टच ना, जमीन से टच होते ही जो है वो आदित्य भाई वो खराब हो जाती है ना, क्योंकि काफी सॉफ्ट होती है ना स्ट्रॉबेरी। अच्छा तो एक चीज है, ये इन्होंने लगा रखा है नाम अपनों ने जो है खामोखादर देखिए जोर किया, ये डहलिया की लाइन लगी हुई है, देखे इस तरीके से ये सारी डहलिया लगी हुई है जो है। अब इसी तरीके से देखें यहाँ पर जो है इन्होंने बोर्ड हटा दिया है, मगर यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ बोर्ड गलत भी लग गए हैं जो है, कुछ गलत लग गए मगर जो है, लेकिन इन्होंने फिर भी सिनेन एरिया करके है ये। जी जी ये देखें ये सिनेन एरिया करके लगी, डेंथस भी रख दिया, डेंथस भी, ये डेंथस रख दिया, ये भी डेंथस रख दिया, और सारी सिनेन एरिया, बाकी सब सिनेन एरिया है। इसी तरीके से नाम भाई ये देखें एस्टर है, ये एस्टर देखें, ये सारा एस्टर लगा हुआ है, बहुत अच्छा। अच्छा ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा एस्टर का, ये देखें बिल्कुल नीला ब्लू, हाँ बहुत प्यारा लग रहा है, प्यारा कलर है। और ये वाला भी कलर, हाँ ये भी बहुत प्यारा, ये देखें ये कलर देखें, इसका कलर बहुत सच में प्यारा, सच में ये हकीकत में बहुत ही प्यारा कलर है। आपको शायद कैमरे पर ना दिखता हूँ, मगर रियल में जो है ये काफी प्यारा कलर, प्यारा फूल जो है काफी अच्छा है। तो बहरहाल हम और आदित्य भाई यही आपसे कहना चाहेंगे कि आप जो है जरूर से जरूर आए और यहाँ एग्जीबिशन में नेक्स्ट ईयर, ये साल में एक बार लगता है ना जी, साल में एक, ये डेंथस देखें, ये देखिए कितना प्यारा तरीके से भाई साहब ये मेंटेन करके रखा हुआ है। और इस पे ये देखें ये खिल तो चुके हैं डेंथस, मगर ये देखें कली कितनी बड़े बट्स हैं, कितनी बट्स हैं, बट्स देखें इसके अंदर कितनी भरी हुई बट्स हैं। और मिट्टी के अलावा मेरा भी यही मानना है कि मिट्टी, मैंने अभी पिछला वीडियो डाला था कब्रिस्तान से रिलेटेड, जो कब्रिस्तान के प्लांट थे मेरे रोज प्लांट, वो इतने अच्छे से चल रहे हैं आदित्य भाई, आपने देखी होगी शायद, जी जी जी, वो सिर्फ मिट्टी में ही है जी जी बिल्कुल, उसके अंदर अभी तक कोई फर्टिलाइज तक नहीं किया मैंने, तब भी मिट्टी के अंदर बहुत अच्छे चलते हैं, जो ताकत मिट्टी में होती है ना वो और किसी में नहीं होती आदित्य भाई। ये हमने देखा है अभी, अंदाजा लगाया ये क्या चीज़ है, वर्बीना करके है, ये वर्बीना देख सकते हैं, ये वर्बीना बोलते हैं इसको, ये छोटे छोटे जो प्लांट और नन्हे नन्हे बटन रोज की तरह देखते हैं, ये वर्बीना होती है इस तरीके से। देखिए बहरहाल हम लोग जो है आपको मिट्टी इसलिए बता रहे हैं, आप ये ना समझे कि हम ये कह रहे हैं कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि आदित्य भाई तो जो प्लांट अपने दूसरे मीडियम में लगा रहे हैं हमसे कह रहे हैं मिट्टी में, हमारा दिखा हो सकते हैं, जिसे कुछ नहीं मिल पा रहा है वो मिट्टी में भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे मिल नहीं पा रहा है मिट्टी में, अच्छा होता है ग्रो, मगर ये है
कि अपना पता क्या रहता है कि अपना करते हैं टेरेस पे, रूफ टॉप गार्डनिंग करते हैं, मिट्टी अगर हम लगाएंगे तो वेट बहुत हो जाता है, और इस तरीके से गमले में रखेंगे तो भी मसला वेट का हो जाता है, और जिस वजह से जो है लिंटर पे लोड हो जाता है छत बहुत ज्यादा, इसी वजह से जो है मिट्टी से हट करके हम दूसरी मीडिया की तरफ जाते हैं। जो गुलाब है माली लोग डर रहे कह रहे ये बहुत भारी होगा, मैंने कहा आप उठाइए तो पहले जो है इतना उसका हल्का वजन है, बहुत हल्का क्योंकि उसमें सारा उसमें लगा रखा ना अपनों ने कोकोपीट और कोकोपीट में, और जो है उसके अंदर राइस बनाई गई है, ये काफ़ी अच्छी जैसे मटके में से फूल आ रहे हैं, बहुत बढ़िया ये वाला, ये स्कूल की तरफ से बनाया है, स्कूल की तरफ से ये देखें। अच्छा ये पिटोनिया लगा रखी है, पिटोनिया ये एक है जो अच्छा चलता है हिसाब किताब, ये देखें इस तरीके की ट्रॉली टाइप की बना, ये भी सारी ग्लैडियस लगा रखी है, लाल बना रखी है। हाँ अच्छा ट्यूलिप्स के वो जो है बल्ब बड़े अच्छा लग रहा है, ट्यूलिप फ्लावर ये जो है सही बताया था उन्होंने कि जो है वो सारे के सारे प्लांट जो है आपको राष्ट्रपति भवन में ही मिलेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में बड़ा अच्छे से मेंटेन करते हैं वो लोग, और माली लोग जो वहाँ पे लगे होते हैं, क्योंकि देखिए वर्तमान समय में ना ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप अपना आर्टिफिशियल मौसम बना सकते हो, बिल्कुल, तो आप जितना अगर पैसा लगा सकते हो उतना आप आर्टिफिशियल मौसम बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर ये है कि वहाँ अपने यहाँ जो है पैसे की थोड़ी सी तंगी हो जाती है, मगर वो राष्ट्रपति भवन में तो कोई भवन है वो, तो वो वहाँ कोई पे तंगी ही नहीं है बात भाई। चलिए ठीक है भाई, वीडियो में बहुत अच्छी हमने आप लोगों के लिए, आदित्य भाई ने हमारे लिए रुके रहे बहुत देर तक, वरना ये भी जाने वाले ही थे, तो आदि भाई आदित्य भाई ये बताइएगा अब हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए के उन्हें आना चाहिए, या यहाँ पर आपको कैसा फील हुआ ये प्राइस लेकर के? मुझे तो देखिए बहुत अच्छा लगा, देखिए प्राइस कैसा भी आपको एक बिल्कुल, आपको उत्साह बढ़ जाता है, और सच में ये चीज़ आप यहाँ आके ही फील कर सकते हो, शायद वीडियो से कोई ना इतना फील कर पाता हो, लेकिन आपको जो है फील होती है वो चीज़, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो और लोग भी देखते हैं, जो हमारे गुलाब जो थे आप ये समझिए कि जितने भी लोग आए, क्योंकि आप देख रहे हो गुलाब बहुत प्लांट तो बहुत है यहाँ, लेकिन गुलाब के बहुत कम पौधे हैं, बहुत कम क्या है मुझे लगता है एक आपका एक वो है, तो आप जान सकते हो गुलाब की इज्जत इसलिए इतनी है जो यही एक कारण है, ये अच्छा लोग ग्रो भी नहीं कर पाते हैं, वह बहुत आसानी से ग्रो नहीं हो पाता गुलाब के अंदर, मेंटेनेंस बहुत चाहिए होता है इसको, यही समय जो होता है डिजीज लगने का होता है, और यही समय जो है इनका जो है एग्जीबिशन का है, तो जिस वजह से जो है गुलाब बहुत कम लोग ला पाए, दो ही लोग ला पाए हमारे आदित्य भाई लाए, और एक किसी और के रखे हुए हैं, वो भी अच्छा है गुलाब, अच्छा ऐसा वो भी गुलाब बढ़िया है, मगर आदित्य भाई का गुलाब तो आपने देखा ही है, वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे या फिर जो है एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, तो फिलहाल आइएगा ज़रूर, हमारा बस यही आपसे जो है निवेदन है, और मैं भी कोशिश करूँगा अगली बार कुछ प्लांट अगर मिल जाए तो लेकर के आऊँ, और जाहिद भाई और हमारे वो भी कोशिश करें, सागर भाई भी कोशिश करें, सागर जो भी बरेली के आसपास के वो तो जरूर आए, और अगर दादा भी आ सकते हो तो दादा भी जरूर आए, रमेश दादा कहाँ आप आ गए, मुझे लगता है रमेश दादा बुरी बात बुरा मत मानना, आपकी आत्मा आ सकती है क्योंकि आप दादा बहुत खिलाफी करते हो बहुत टाइम से बोल रहे हैं दादा आऊँगा आ नहीं रहे, मगर आपकी आत्मा आ सकती है बुरा नहीं मानना, ठीक है दादा, चलो ठीक है दादा, आपसे आई एम सॉरी दादा, और वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।